पहले से ये तालमेल एग्री हो कि नहीं है? आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके सपने छोटे होते चले जाते हैं। चेक करके देख लेना, एक बेटी होगी तो अपने एक आके और चाल लेना तभी चलते आके आके मुझे रूम में किचन। और जब छोटे थे वो नाम में सबसे बड़ा घर लेना होगा, घर भी वाड़ा वाड़ा अपना सुना पूछो। देखो आप छोटे बचपन में देखो आपको, जब आप छोटे थे ना तो आपने हंसी हंसी बातें बोली थी ना अपनी मम्मी को कि बगा पुणे में जाना मुझे मी और कोई नसना। अब जैसे आदमी बड़ा होता जाता है और उसके सपने छोटे 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 होते चले जाते हैं। कारण पता क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सपने कभी गोल में बदलते नहीं है। ये घर बना था, ये इसका पिलर कहां पे होना चाहिए, इसका फैन कहां पे होना चाहिए, इसका ये कहां पे लगना चाहिए, इसका ये दुकान कहां पे होना चाहिए, ये कहां पे होना चाहिए, इसका एक ब्लूप्रिंट बना। एग्री होगी नहीं हो? और हमको यहाँ पे करोड़ रुपए चाहिए, पामोसा में लाख रुपए चाहिए और हमसे पहले डायरी भी नहीं। अब मैं आपको समझा पा रहा हूँ। देखो ना, आपके घर में आपके बेटी का बर्थडे होता है, बेटे का बर्थडे होता है तो आप लिखते हो कि बाबा कितने लोग आना, राम आना, श्याम आना, मौसी के पोती को ये आना, कितने लोगों का लिस्ट। एग्री हो कि नहीं हो सर? सर तो तुम्हें मुंगी से शादी बराबर ना कर, कितनी पत्रिका काटी तुम्हें? नहीं ना, कितनी काटना? हाँ 1000 मैंने लिस्ट काट ली। ये 10000 क्यों नहीं हुआ? एक लिस्ट काट ली, किस किस को पत्रिका दे देगा, ये बराबर ना सर? कमल सर को भी देने का, सबको दे, लिस्ट काट ली। अरे बोल रहे यार, मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ? एक आप लोगों ने क्या निकाला है? लिस्ट निकाला। फिर आपके घर में शादी रहने दो, आपके घर में बर्थडे रहने दो, और यहाँ पे हमको करोड़ रुपए काटने। और आपने बोला जी सर निकालो लिस्ट, ये बोले लिस्ट को सोसाइटी। मैं आपको समझा, यू आर एग्री विद मी? एक्चुअली आदमी जैसा छोटा होता है पैसे वैसे उसके गोल बड़े होते हैं, और जैसा जैसा वो बड़ा बनता जाता है उसके सपने। आदमी बोलता था कुछ नहीं सर, हर महीने ना 1000 रुपये भी मिल गया ना तो भी जाओ कॉम्प्रोमाइज बराबर है कि नहीं? यहाँ पे एक आदमी 15 लाख रुपए कमाता है और एक आदमी बोला 800 रुपये मिलना तभी चलते सर। मैं आपको समझा पा रहा हूँ? कारण पता क्या है कि लोगों के गोल नहीं है। What is goal? Which you can write piece of paper. जिस कागज में आपने लिखा है, इस गोल और सपने के बीच का डिफरेंस बताऊं क्या आपको? जब आप किसी चीज को लिख लेते हो ना तो वो 3 गुना सच होने का दम रखता है जब आप लिख लेते हो। आपने एक मूवी देखना घर पे, दी सीक्रेट बोल के एक मूवी है, अगर जिन लोगों को पता है तो, या एक किताब पढ़ के देखना दी सीक्रेट बोल की मूवी है, और उस मूवी को देख के देखो तुमको पता लगेगा कि टेलीपैथी क्या बोलती है। उस मूवी मैं एक दिन कल ले गया, मैं आपको दिखाऊंगा उस मूवी को। दी सीक्रेट बोल की एक मूवी है जिससे पता लगता है कि मेरे को इतना बड़ा चेक आने वाला है। और ये दिस सेट योर गोल, आपकी टीम में आप लोगों को चेक इसलिए नहीं आ रहा था आपके पास गोल ही नहीं, तुमको सिर्फ चाहिए। ये तुम्हारा विश है और विश हमेशा बदलती है। देखना अभी एक लंबी सी गाड़ी आपको काली गाड़ी पसंद है, थोड़ी देर के बाद अगर उसी की जगह काली गाड़ी मतलब इमारती गई है उसके बाद BMW है, तुम क्या बोलो? वाह, यानी पहली वाली गाड़ी डब्बे में, उसके बाद तो लिमोजिन गई, तुम बोलते वाह, दूसरी गाड़ी भी डब्बे में। चॉइस, जो ये चीजें हैं ना चॉइसें बदलती जाती हैं। पर जब गोल डिसाइड किया हो कि पुणे में घर होगा, गैलरी होगी, मैं आपको लाइव बात बताता हूं। आपको मैंने पारी कंपनी के सामने पहला घर लिया था 2008 में, जब मैं किसी MLM कंपनी में था, जब मैं था फिर मैंने वो घर बेचा के दूसरा घर। मेरे को भी सब चीजें जैसे फैमिली वाले बंधन में होते हैं EMI, ये मेरे को भी रहता, पर जब मैं सवेरे उठ एक अपना गैलरी धोता हूँ ना सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी डिसाइड किया था कि कमल का घर होगा, और जब मैं खुद की गैलरी धोता हूं ना सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। मैं आपको समझा पा रहा हूं? ओ यार प्लीज बोलिए आप। कुछ नहीं, आपका सक्सेस पता क्या है, आपकी गोल क्या है? आप अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आप अकेले अकेले बिना बात के हंस रहे हो, आपका सक्सेस हुआ है। बिना रीजन के आप हंस रहे हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपको स्माइल आ रहा है, पता नहीं फर्क इसका मतलब होगा। जब आपकी आंख राइट की तरफ जाती है तो आप यू आर एंशियस अबाउट योर करियर कि कमल
इस बार 20 लोग, अगली बार 40 लोग होंगे, इस बार 10,000 का चेक, अगली बार 20,000 का होगा। आप समझ रहे मैं किस तरह राइट की तरफ झुक रहा हूँ, मेरी आंखें राइट की तरफ जा रहे हैं। जब कोई अपने चिंतन करता है ना, देवा कुठे जाला माजा, कुठे चुकला माजा, खाली आदमी जाता है, कुतरा भगितला पूंछ अंदर, कुतरा पूंछ अंदर, कॉन्फिडेंस नष्ट हो। बट उस कुत्ते को देखो जो भागता होता है पूंछ ऐसे, इस कॉल एंशियस साला, अपने को 7,000 भर के 17,000 कमाने का दम नहीं है। किस इंडस्ट्री में पैसे कमाएंगे, पांचों से हमें नाम होगा, अगले एक साल के बाद कुछ होगा, जिगर बाजे जिगर, रात भर काम करूंगा, तकदीर बदल जाओ मेरी नहीं अपनी पीढ़ी की। वो दम बाजे दम, और ये दम नहीं है, बाहर के लोग फट्टू है, फट्टू फट्टू समझे हो, अपनी दुनिया में ना लोग सर ना भगवान की कसम से बोलो, आप सिर्फ इतना सा दम रखो, इतना सा जिगर रखो आप, बाहर लोग फट्टू है, फट्टू डले हुए, ईएमआई है उसकी वजह से कब्जे में चले गए, किसी का 1,00,000 रुपए देना उसके नीचे दब गए, एक गाड़ी लेने उसके कर्जे में दब गए, किसी का पैसा मुझे देना उस पैसे के चक्कर में दब गए, और वो फट्टू हो चुके दब, दम नहीं है उनमें। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ नहीं है, उनके पास ज्यादा दम है। मुझे बताइए दुनिया में जो लोग बड़े बने उन्होंने बैंक से कर्जा लिया है, दुनिया के जितने लोग भी बड़े बने, अब तुमने अगर 1,00,000 का कर्जा है, तुमको अगर 2,00,000 का कर्जा है, तुमको 5,00,000 का कर्जा है, तो क्या बड़ा हो, क्या बड़ा हो गया। बट हम लोगों ने अपने कर्जे को बड़ा कर दिया। तुम सच में बता दो, दम रख दो, पामोसा कंपनी में अपना नाम होगा, पामोसा कंपनी में अपना सिक्का चलेगा, पामोसा कंपनी में आने वाले 3-4 महीने के बाद देखना, 1 महीने पहले कौन जानता था सर अपने को। आज अपने राहुल का 8,000 का चेक है, खाली है, आधी टीम हमारी बाहर काम कर रही है, मैं आपको समझा पा रहा हूं। पर दम इसको बोलते हैं गट्स, और कमर में इतने गट्स ज्यादा है, लोग बोलते गेस्ट नहीं आ गया, कमर में बोला चलो मैं फ्लाई करने जाऊंगा, लोग बोलते गेस्ट नहीं आते, मैं बोला मैं चलो मैं आपके लिए सर्वे फॉर्म करके आऊंगा। आज लोगों ने हमारी कॉपी करना चालू कर दिया, एग्री हो कि नहीं हो। इसको बोलते हैं दम। बाहर के लोग फट्टू हैं, फट्टू डरते हैं, डरते, और अपने को पुणे में राज करना सर, पुणे में राज करना अपने को। मैं गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूं, देख लेना, कमल पहले भी बड़ा था, अब भी बड़ा होगा, चोरी नहीं करूंगा, किसी की गर्दन नहीं काटूंगा, और किसी को झूठ वादे नहीं करूंगा। समझे मेरी बात, सपने मेरे हैं पूरे भी मैं ही करूंगा, बट किसी की गर्दन नहीं काटूंगा, दैट इज लीगल। और दुनिया में सेज, मैं आज भगवदगीता आपका मैंने ये चालू है नया वचन बाइबल, उसमें मैंने एक चीज पढ़ा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ, उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि जैसे बिजली चमकती है ना यहां से लेके पश्चिम तक, उसमें लिखा हुआ कि मैं तुम्हें उस बिजली की तरह बना दूंगा जो एक छोर से चमकती है दूसरे छोर तक चमकती जाती है, मैं तुमको उस रोशनी की तरह बना दूंगा। बट उस रोशनी को पाने के लिए तुम लोगों को त्याग करने पड़ेंगे, तुमको सहना पड़ेगा, तुम्हें लोगों की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। हजरत मोहम्मद साहब को लोगों ने छोड़ा नहीं, जीसस क्राइस्ट को लोगों ने छोड़ा नहीं, दुनिया के जितना हम लोग कौन है यार, मैं आपको समझा पा रहा हूं। तुमको करोड़ रुपए में मिले और तुम अपने यहां पे 2 घंटे ट्रेनिंग में मिला दो, तुमको 1,00,000 रुपए भी मरे और तुम अपने हस्बैंड को जवाब भी ना दो, तुम 1,00,000,000 रुपए भी कमाओ और तुम्हारे पास डायरी भी ना हो, मैं आपको समझा पा रहा हूं। और तुम करोड़ रुपए कमाओ और तुम्हारे पास दम भी ना हो। बाहर के लोग फट्टू है, फट्टू क्या है, फट्टू। मैं 10,000 रुपए के लिए ऐसे कांपते हैं, 10,000 मिल जाने चाहिए बापू, 10,000 रुपए। बता दो उनको कि आ जाओ हमारे साथ, ये दुनिया फट्टू की है, फट्टू जिसने अपने आप को अपना ये दम इतना सा बढ़ा दिया ना, इतना सा सर, लोग ना छोटी छोटी चीजों में अटके पड़े हैं।
छोटी छोटी चीजों में सर रिलेशन की वजह से अटक गए हैं, फैमिली की वजह से अटक गए हैं, और तुम ये दम रख लो। और दुनिया में जिसके पास दम है ना उसके पास गम नहीं है, क्योंकि क्या है, उस हर गम को मिटाने की चाहत रखता वो। फटरी बंदे का सर अपने को एक दिन अपना होगा, हेड भी अपना होगा, टेल भी अपना होगा। सर ये आप अपना गोल डिसाइड करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर अपने को आती है, ट्यूजडे को ट्रेनिंग वाला, सारे पंगे ट्यूजडे के दिन होते हैं, बराबर सब पंगे ट्यूजडे के दिन। क्यों? आज हम छोटे हैं ना, पर सबके आज हम लोग सबके आंखों के सामने देख लेना, एक चीज में लिखा हुआ है, एक चीज में समझ लेना, अगर आपको किसी चीज में अड़चन आ रही है तो समझ लेना आप सही रास्ते जा रहे हो। अगर हमको अड़चन आ रही है ना, अगर हम लोग बड़े बनने वाले, डोंट टेक टेंशन, लोग हमें पत्थर मारना चालू कर दिया लोगों ने अभी, और अभी तो एक ही महीना हुआ साहब, अभी रुको आप, रुको अभी आप, मैं आपको समझा पा रहा हूं, माला पुनाना हरवे ची नहीं, माला मेरी क्वालिटी को हराना है, हमें अपने आप को दो उंगलियों में से एक अगर बड़ी है तो मुझे इसको बड़ी बनाना, बात खत्म। आई डोंट वांट टू डिफीट एनीबॉडी, हमको खुद आगे जाना, क्योंकि मेहनत हमको करनी है। यू इस तरीके से ज्यादा सेट करो, आपका गोल सेट करो सर, घर जाकर डिसाइड करो कि पांगो सा कंपनी में मुझे आगे हफ्ते कितना चेक करें। मैं करोड़ रुपए नहीं बोल रहा हूँ, मैं करोड़ रुपए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी चेक करो वो, अगर मान लो आपने 1000 रुपए अचीव कर लिया तो अगले हफ्ते कितना करोगे, अपने आप ही आपका दिल बोलेगा अभी 2000 चाहिए, बराबर है कि नहीं है। आपको और लोगों को पैसा ना मिलने का कारण एक पता क्या, उनके गोल ही नहीं है, उनके गोल नहीं है। जिस व्यक्ति के पास गोल नहीं है वो उस पंछी की तरह है जिसका एक पैर कटा हुआ है और वो उड़ भी नहीं सकता। तुम्हारे पास अगर गोल है तो तुम्हारी आवाज में कमाल, तुम्हारे पास अगर गोल है तो तुम्हारी चाल में रवानगी, तुम्हारे पास अगर गोल है तो तुम्हारे कंधे स्ट्रेट, और जब तुम्हारे पास गोल है तो तुम्हारी नजर स्ट्रेट, और अगर तुम्हारे पास गोल है तो तुम्हारे पास नेगेटिव चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए गोल होने बहुत जरूरी है लाइफ।